आज रेडियो डे है। रेडियो से भले ही आज की पीढ़ी दूर रही हो, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने संचार के इस माध्यम से गहरा लगाव है। जमशेदपुर से रेडियो से जुड़ी कुछ खूबसूरत तस्वीरें पेश कर रहे हैं सहयोगी। विश्व रेडियो दिवस है, ऐसे तो रेडियो आज के युग में नहीं चलता, लेकिन जमशेदपुर में एक ऐसे शख्स हैं जो रेडियो को आज भी संयोग के रखे हैं। आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये बड़ा सा आपको ये रेडियो जो दिख रहा था, ये दिख रहा है जो 1950 ईस्वी का रेडियो है, उसके बगल में उसी समय का रेडियो है, और ये 50 के दशकों का रेडियो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये रेडियो के शौकीन हैं और पुराने रेडियो को रखे हैं। ऐसे रेडियो का आविष्कार 1895 में मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था, तब से लेकर रेडियो का प्रचलन चला था। लेकिन आज के इस इलेक्ट्रॉनिक्स युग में जहां मोबाइल में लोग गाना सुनते हैं, लेकिन रेडियो का प्रचलन उस समय कुछ अलग ही हुआ करता था, क्योंकि रेडियो में जो गांव देहात के लोग होते थे वो रेडियो कहीं ना कहीं उस समाचार सुनने में या फिर अन्य जो माध्यम थे उस वक्त, वही माध्यम एक रेडियो ही ऐसा माध्यम था जो लोग एक दूसरे के जगह के समाचार सुनते थे कि देश विदेश में क्या कुछ हुआ है। धीरे धीरे कुछ दोस्त यार फ्रेंड से भी हमने संपर्क, वो लोग आए तो एक क्लब हम लोग ने गठन किया, गाइड इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स क्लब। इसके माध्यम से हम लोग भारत के प्रसारण केंद्र से जो भी प्रसारण हुआ करता है वो तो सुना करते थे। इसके अलावा हम लोग विदेश से भी जितने भी प्रसारण केंद्र हैं, आपको बता दूं कि रेडियो जापान से अब तक 18 भाषाओं में बाकायदा 25 मीटर बैंड पे एक के बाद एक प्रोग्राम वो लोग पेश करते हैं। घर मेरा संग्रहालय की तरह धीरे धीरे बनने लगा, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा रेडियो म्यूजियम बनाएं। न्यूज़ 11 भी अपील करता है कि अगर रेडियो के शौकीन लोग हैं तो इनके पास में आएं, और रेडियो की जिज्ञासा है जो कि रेडियो कैसा कैसा रेडियो उस वक्त होता था आज से 50 के दशक में या 40 के दशक में, वो रेडियो इनके पास रखा हुआ है, तो समझा जा सकता है कि कितने अच्छे से संयोग के रखा है। लोग आएँ और रेडियो का भी आनंद लें। सभी के अनुरोध के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर।